आज हम बनाएंगे करेले की सरसों वाली सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, पर इसके कड़वे से टेस्ट की वजह से कई लोग इसे खाना नहीं पसंद करते। पर आज मैं आपको जिस तरीके से इसे बनाकर बताने वाली हूँ, उससे इसकी कड़वाहट तो खत्म हो ही जाती है। ये इतनी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है कि जो लोग करेला नहीं खाते होंगे उनकी भी ये फेवरेट हो जाती है। नमस्कार, मैं प्रीति पूजा, कुकिंग विद प्रीति पूजा में आपका स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम करेला ले लिया है। इसके दोनों किनारों को काटकर इसे गोल गोल पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। अगर किसी करेले में कड़े बीज हों तो उसे निकाल देंगे, या फिर अगर आपको बीज खाना पसंद हो तो ना निकालें। तो यहाँ पर मैंने मेरे सारे करेले काट लिए हैं और जो थोड़े कड़े बीज वाले थे उनके बीज निकाल दिए हैं। कढ़ाई गर्म होने रख देंगे। अब इसमें 2-3 टीस्पून जैसा सरसों का तेल डाल देते हैं और अब जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हुआ है करेला डाल देंगे, भून लेते हैं। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए करेले के 90% तक कुक होने तक भून लेना है। आप चाहो तो फ्लेम को मीडियम भी रख सकते हो, पर फ्लेम को हाई बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से करेला अंदर तक अच्छी तरह से नहीं पक पाएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं ताकि भूनते वक्त इसमें नमक का एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में काट कर इस तरह से अलग अलग करके ले लिया है। वजन में ये 250 ग्राम के लगभग है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून कलौंजी या काला जीरा भी ले लिया है, और ये एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी ले लिया है। करेला ऑलरेडी कड़वा होता है इसलिए हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो प्याज हमने काटा था उसमें से ही एक मुट्ठी प्याज मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, मिक्सी की जार में डाल देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं। थोड़ा पानी भी डाल देंगे और अब मैंने इसे पीसकर ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें कुछ पाउडर मसाले भी डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सब्जी का कलर बढ़िया लाल निकल कर आए इसके लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, इससे सब्जी तीखी नहीं होती। सारे मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 5 छोटे साइज के टमाटर भी ले लिए हैं, वजन में ये 300 ग्राम है। इन्हें ही पीसकर मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इस सब्जी में हम पंचफोरन से बघार लगाएंगे। तो जीरा, राई, मेथी के दाने, सौंफ और कलौंजी मैंने यहाँ पर ले लिया है। और अब करेला अच्छी तरह से क्रिस्पी भून चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। अब वापस उसी कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं और अब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें पंचफोरन डाल देते हैं, 1 पिंच हींग भी डाल देंगे, 8 से 10 करी पत्ता भी डाल देते हैं, इससे सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब प्याज डाल देंगे, भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम प्याज के लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना। तो जैसे ही इसने हल्का सा कलर चेंज किया है इसमें मसाले डाल देते हैं, भून लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। इसे हमें मसालों के अच्छी तरह से भूनकर तेल छोड़ने तक भून लेना है। और अब मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनसे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। इसमें हमने सरसों ऐड किया है तो मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे वरना इसका टेस्ट कड़वा आने लग जाएगा। इस स्टेज पर टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं, भून लेंगे। इसे हमें वापस मसालों के अच्छी तरह से भूनकर ऑयल छोड़ने तक भून लेना है। और अब आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो इस स्टेज पर इसमें करेला डाल देते हैं, मसालों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब थोड़ी देर तक भूनने के बाद मसाले करेले के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो इस स्टेज पर इसमें मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है, मिक्स करके देख लेते हैं।
यहाँ पर मुझे सब्जी थोड़ी ड्राई लग रही है, तो 1/4 कप और पानी इसमें डाल देते हैं, मिक्स कर लेंगे। आपको सब्जी जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। स्वादानुसार नमक भी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। करेले में हमने पहले भी नमक ऐड किया था, इस बात को ध्यान में रखकर ही नमक ऐड करें। मिक्स कर लेंगे। अब ढककर इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि करेला 100% तक कुक हो जाए और इसमें सारे मसालों का एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। और अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो सब्जी से ऑयल रिलीज होने लग गया है, ये तैयार हो चुकी है। एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। इतनी सब्जी आप घर के 4 से 5 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। इस तरह से करेले को भूनकर सरसों के मसाले और प्याज टमाटर के साथ बनने वाली ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप रोटी या चावल दोनों के साथ ही सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप भी इस तरह से करेले की सब्जी बनाकर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आप इसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज कुकिंग विद प्रीति पूजा को फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।